ये बोल रही थी बैग ना रह जाए, बैग ना रह जाए, इसका सही में रह गया बैग। ये घड़ी ले रहा, हम यहाँ पे घड़ी लेने आए मम्मियों के लिए। रैपर आई है, अच्छी प्रैक्टिकल की टीचर मिले। ये डंडाल जा रही है, इसका सेमेस्टर शुरू होगा और हम जाएंगे इंडिया। ये आपको व्लॉग में दिख गया होगा, हम इंडिया जा रहे हैं 4 दिन बाद। अभी मेरे को जाना था इंडिया, इनको भेजना था कॉलेज। हो गया, ओपनिंग चल रही है इंडिया की। गाइस अभी हम एयरपोर्ट पे और रात के 11 बज रहे हैं, 11:10। पहली बार मैंने घड़ी में टाइम दिखाया, फ़ोन जेब में रहा, इसलिए फ़ोन में भी दिखा देता हूँ देखो। और अभी हम जा रहे हैं इंडिया, हमारी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे की। स्लाई को से लास्ट ट्रेन साथ की थी तो हमें उसी से आना पड़ा। ट्रेन में व्लॉग व्लॉग कर नहीं पाए क्योंकि बहुत सामान था ये देखो। अरे यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या चला रही है वो। अभी हम इंडिया जा रहे हैं, आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं कैसे क्या प्रोसेस है। स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप आयरलैंड को आने का सोच रहे हो, मनीजार इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। मनीजार एक NEO बैंक है। अगर आप आयरलैंड आते हो, आपके फ्रेंड्स या कोई होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आयरलैंड आते हो तो बैंक अकाउंट खुलवाने में बहुत झंझट होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, ये वो, फिर बाद में ATM कार्ड वो सब आता है, बहुत टाइम लगता है। कम से कम तो 20-25 दिन, महीना, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उस टाइम पे क्राउड है। और मनीजार पे क्या है, विद इन 5 मिनट सब कुछ हो जाता है। आप बस ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड करना आपको फ़ायदा भी होगा। वो ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करते ही वहाँ पे बस 3 स्टेप्स होंगे, आप थोड़ी सी डिटेल्स डालोगे, साइन अप, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप अपने कार्ड से कहीं पर भी टैप कर सकते हो, IBAN मिल जाएगा, वहाँ से आप पैसे मंगा सकते हो कहीं से, जॉब के लिए, कैसे भी आपको घर से भी भेजना है तो IBAN से सीधे पैसे आ जाएंगे। और आप उसको फ़ोन से कहीं टैप कर सकते हो, गूगल पे, एप्पल पे से इजीली कहीं पे भी पे कर सकते हो। आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा विद इन 5 मिनट, जो कि आप अकाउंट यूज़ कर सकते हो आयरलैंड में। और आप उससे फॉरन ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, आपको इंडिया पैसे भेजने हैं वो भी भेज सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। और भी 4-5 कंट्रीज यहाँ भेज सकते हो, बट आई थिंक आपको लोगों को इंडिया ही भेजना होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मनीजार इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और इससे एक आपका फ़ायदा क्या होगा, जब फॉरेक्स कार्ड लेके आते हो आप कहीं पर टैप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ दैट पे करना पड़ता। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैंने आयरलैंड में उससे पे करा था अपना रेंट, तो उसके ऊपर 15-20 हज़ार कट गए थे मेरे। तो आप अगर अकाउंट यहाँ पे खुलवाओगे तो महीना तो लगेगा ही खुलने में, तो उससे पहले आप मनीजार ले लोगे और वहाँ पे घर वाले से पैसे मंगा के पे करोगे तो उसके कोई पैसे नहीं कटेंगे आपके, जैसे फॉरेक्स कार्ड में कटते हैं। तो वो आप एक फ़ायदा हो जाएगा आपका। तो मनीजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम देयर, उससे आपका फ़ायदा होगा। मेरे लिंक यूज़ करोगे उससे भी, तो इंस्टॉल कर लो, आगे चलते हैं इंडिया। भाई जी बटलर हॉट चॉकलेट है और यहाँ पे पिक ले रही थी गिनीस की, देख लो हरकतें देखो इनकी। हमारी फ़्लाइट सुबह 6 बजे है, चेक इन वैक इन सब कुछ हो चुका है। ऐसा सा ये Terminal 2 है भाई, मैं तो यहाँ से कुछ लेता नहीं। जब मैं पहले आया था मैंने यहाँ से इतनी चीज़ें ऐसे सोचा लूँगा, ली भी कुछ, फिर बाद में जाके पता चला दिल्ली एयरपोर्ट पे सस्ती थी। जैसे घड़ी ली मैंने, बहुत फ़र्क था, 7-8 हज़ार सस्ती थी दिल्ली एयरपोर्ट पे। साल में एक बार तो जाता ही जाता हूँ इंडिया, अब मेरे को हो गया, वैसे मैं साल भी क्या 10 महीने में ही चल जाता हूँ, 10-11 महीने में, अब मेरे को हो गया 1 साल 1 महीना। लोग कह रहे हैं भाई क्या, हम तो 2-2 3-3 साल नहीं, बहुत लोग हैं 2-2 3-3 साल नहीं जाते, पर मैं तो जाता हूँ साल में एक बार तो कम से कम। कोशिश करता हूँ साल में 2 बार भी जा पाऊँ, पर हो नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पे कोविड केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम मास्क वास्क लगाए घूम रहे हैं। अभी मैं दूर बैठा हूँ, मेरे आसपास कोई है नहीं, तो इसलिए मैंने मास्क हटा रखा है। वैसे मास्क लगाए घूम रहे हैं, फ़्लाइट में भी लगाएंगे, तो भाई आप लोग भी लगा लो, अभी थोड़े टाइम लगा लो बस, ठीक है। गाइस यहाँ पे 5 बज चुके हैं सुबह के, हमारी 6:40 पे फ़्लाइट है, 6 बजे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी, 1 घंटा पड़ा है। अभी हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, पुलाव बनाए थे घर पे बिरयानी मसाले के साथ, बिरयानी काइंड ऑफ बनाई थी, ये देखो दिखाना एक बार। और ये तंग सी हो रखी है, दुखी सी, पता नहीं नींद में क्या हो गया, थक गई क्यों, ऐसा क्या कर लिया। अभी रात के हम ऐसे सोए हुए नहीं ना, मैं तो थोड़ा ऐसे सिर नीचे करके थोड़ी देर, आधा घंटा ऐसे बैठ गया था, और मैंने खाना भी खाया था यहाँ पे आके, पर इसने कुछ खाया नहीं, तो इसको ऐसे थोड़ा शायद वीकनेस सी हो रही है। अपनी डाइट पूरी है वापस सुबह होते ही बिरयानी। तो अभी मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, वैसे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कैमरा बैग में पड़ा था, बट अभी खाना खाते हैं
फिर जाएंगे। यहाँ से हमारी एयरलिंगस है, आगे वर्जिन अटलांटिक है। कितने की हुई है वही बताएंगे आपको लास्ट में भी। मेरे डब्बे ख़त्म होके फेंकने लायक हो गए, यूज़ एंड थ्रो वाले डब्बे लाए थे, इसने छोड़ दिया। ओह शिट, क्यों छोड़ा इतना सारा ये? बस ऐसे रो रही है, पता नहीं क्या हो गया, बस मेरा पेट भर गया। तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरे जितना एक्सपीरियंस नहीं है, तुम मेरी जितना ट्रैवल नहीं करती। ये एक बार गई है बस इंडिया, जब से आई है बेस्ट टाइम में गई थी, ये भी बता। और 6 महीने फिर वहीं रही थी, है ना, 6 महीने कोविड में, पता नहीं कब। तो मेरा एक दोस्त लंदन एयरपोर्ट पे काम करते हैं, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मिल जाए, वो बढ़िया व्लॉग बनाता है भाई, वो खुद भी यूट्यूबर है, उसको मंडे बना दे सब सिखाते हैं। ये देखो मेरी वाली सेम वॉच जो मैंने पहन रखी है, यहीं से ली थी मैंने हीथरो से। तो भाई 32 लाख की देखी यार, वो तो तगड़ी वॉच थी, पर 32 लाख की भी नहीं लगती थी देखने में। तंग कर रखा ना, ये चल रहा ना, मैं बैठ पा रही ना, मैं सो पा रही, और इसको कम से कम 10-15 मिनट हो गए बोलते हुए कि चल चल चल। फ्लाइट में हमारी 10:40 पे 9:40 हो चुकी है, गेट पे भी जाना है, 15 मिनट लगेंगे गेट पे जाने में। उठ जा ऐसा शरीर बन रखा है ना ये, ऐसा शरीफ, इसको नींद में बस रखो, करो सो तो ही रहता है इतना शांत। खाओ पियो सो गया। 2.5 घंटे का हॉल्ट था इधर, में ऐसा लगा 200 घंटे का हॉल्ट है, पता नहीं भाई साहब, बहुत नींद आ रही थी, पर थोड़ी बहुत पूरी हो गई, अच्छा लगा। बात क्या बता था यार, भूल गया मैं। हाँ मैं कह रहा था बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट भाग के जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद। एक तो मास्क लगाया, अजीब सा लग रहा है घुटन सी, बहुत टाइम से लगा नहीं रहते क्योंकि इतने कैसे थे नहीं। कोई ना, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जाते हैं जल्दी। ये देखो इधर है हमारी फ्लाइट, भाई मेरे को वो दे नहीं पा रहे थे बोर्डिंग पास, मेरी फ्लाइट लाइट चेंज हुई है। पर अब मैं देखो ये ग्लोबल फ्रेंचाइजी कुछ तो मैं लीडरशिप प्रोग्राम करूँगा, अभी मैगजीन पढ़ूँगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडिया, और यार टेडी बन गई। ये बोल रही है कि हमारे बैग नहीं आए, तो गंदी बातें करती रहती है बस। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा यूजुअली मैंने सुना है लंदन में, मेरे साथ कभी नहीं हुआ तो इसकी वजह से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका सामान रह जाता है। तो मैं बोल रही हूँ गाड़ी में जगह बचाने के चक्कर में कहीं हमारा सामान तो नहीं आएगा। मैंने तो देखा भी था यूके में, मेरा बैग दिख रहा था मेरे को जाते हुए फ्लाइट से निकलते हुए, और ये कह रही है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है 2-2.5 साल बाद आके। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं नई ट्रैवल कर रही हूँ, अभी मैं ऐसे यूके में बर्मिंघम में आके बाहर रुक जाऊँ। मेरी वजह से आई है, थैंक्स नहीं बोल रही मैं तो। अच्छा तू नहीं आता तो मैं नहीं आती, सुन यहाँ पे खड़ा रहे, मैं वॉशरूम जाके आ। ये लड़का जो तुम्हें क्यूट लग रहा था, वीडियो बंद कर, बात करनी है बंद कर। इतनी देर हो गई मुझे टैची आ भी नहीं रही इसकी वजह से, इसने ऐसे बोला था ना गंद, मेरी तभी आ जाती है वरना आते ही। बोलने ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 15-20 होता है वो होके रहता है। 15-20 मिनट हो गए मम्मी आपको बाहर खड़े हैं वेट कर रहे हैं, सबसे पहले गई होगी ना तो लेट आएगी सबसे। देखो वो आ गया दूसरा भी आ गया था, दूसरा दिखा था मेरे को इधर से आएगा अभी। अच्छा हुआ मैंने अपनी अटैची देख ली थी उधर से, किसी और ने ही ले ली थी, मेरी एक आंटी थी बूढ़ी, उनकी भी सेम अटैची थी और उन्होंने ले ली। मैंने कहा एक बार मैं नेम चेक कर लूँ टैग पर, मेरी थी है जी, मेरी अटैची थी, मुझे थैंक्स कि उन्होंने किसी ने गलती से उठा ली, एक आंटी ने उठा ली थी तो वो ले जाती तेरी, फिर कांटेक्ट करना उनकी ये है शायद, फिर उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता। देखा उधर से मैंने थी ना आ गई, कहा किसने था कि जाके देख कर आके कोई ले गया। थैंक यू
इसमें सारा सामान था जो मैं घर वालों के लिए लाया हूँ। ये बोल रही थी बैग ना रह जाए, इसका सही में रह गया बैग, आया ही नहीं लंदन से। तो ये अब वो कर रही है, बात कर रही है इन सब से, और मम्मी पापा बाहर वेट कर रहे हैं इतनी देर से कि आ जाओ, क्योंकि बाहर खड़े होने नहीं देते एयरपोर्ट के वहाँ। यहाँ पे इसने रिपोर्ट लिखवा दी, अब चलो चले जल्दी। इसका सूटकेस तो नहीं मिला पर उसके पैसे मिल गए वापस, तो अगर आपका भी ऐसे कोई तो पैसे मिल सकते हैं। उन्होंने बोला परफ्यूम के पैसे नहीं देंगे, वो ब्रेकेबल आइटम है, घड़ी के भी नहीं देंगे, वो टूट सकती है, पता नहीं क्या रीज़न है, बकवास लगा मेरे को ये, टूटेगी तो हमारे से टूटे भाई। और उन्होंने चॉकलेट की नहीं देखी, वो एक्सपायर हो सकती थी, ऐसी चीज़ों की नहीं दी, बाकी सब क्या बिल अपलोड कर सकते हो। तो उसको 1400 यूरो आई थिंक मिल गए, रीएम्बर्स हो गए 1300 कुछ यूरो, क्योंकि आप बिल उसका अपलोड कर सकते हो, और जितना आप बिल अपलोड करोगे उतना हम आपको रीपे कर देंगे कि आपने इंडिया में आके कुछ सामान लिया जो आपका चला गया उसकी वजह से, वहाँ से आप शॉपिंग करके आए उसके बिल दिखा दो, ये हमने लिया था, तो उससे आपको पैसे वापस मिल जाते हैं अगर आपको बैग नहीं मिलता तो। यहाँ पे तो भाई चेंज कर दिया, गाड़ी वाड़ी आई नहीं सकती, कार पार्क बना दिया अलग से, वो सामने कार पार्क में जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, प्राइवेट कार पार्क की पार्किंग है, नीचे नहीं आ सकते अब, ये अलग कर दिया, सही करा, मल्टी लेवल कार पार्किंग। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है बैग खो के? मुझे पता था कि आ जाएगा, मुझे तो पता है, तो मैं तो आ तो जाएगा ही, दो तीन दिन में घर पे आ जाएगा, हाँ ये तो सही है। इसके मम्मी पापा नहीं आ पाए क्योंकि इसका घर दूर है ना, तो वो सुबह आएंगे लेने, तो हमारी गाड़ी में हम सोच रहे थे कि बड़े बड़े बैग चले जाएंगे, अब एक बैग कम ही हो गया, अब तो इजीली आ जाएंगे। जो होता है अच्छी के लिए होता है। आने पे थोड़ी रोते, जाने पे रोते। खुद ही डर गया, मेरे को कह रहा था ये डर गया। कैसे हो? आप तो छोटे हो गए। हेलो, इसको आपा चाप की फोटो भेजनी है, कह रही है नहीं भेज। <ताँ थी। laughs> ये मेरी फोटो लगी हुई। मम्मी अब तो आप तैयार हो वीडियो बना लूं? अब तो तैयार हो, अब तो आ भी गए वीडियो में। बथुए के वो बना रही है मम्मी पराठे, मेथी एक ही बात है। ये मेरी बचपन की फोटो, ये मेरी बहन है। मेरे को आगे जाने दो ना, उसको आगे जाने दो ना। दादी गिफ्ट आपका, टीवी आ गया आपका, ये लो। थैंक यू। आपको सम्मानित करा जाता है शॉल के साथ और टीवी के साथ। थैंक यू। ये कहाँ से ले आया? मैं लाया हूँ आयरलैंड से। आयरलैंड से? हाँ। अच्छा भाई, अभी तक भी मैंने सामान नहीं खोला, इतने दिन हो गए मेरे पास, 5-6 दिन हो गए हैं, अनबॉक्सिंग नहीं हुई है। ये खोला अभी, ये बताओ ये कैसा है? चल जल्दी तो खुद ही आया हमारी दुकान पे राजू अच्छा, ये उनके लिए लेके आया हूँ, और अभी घर वालों का तो खोला भी नहीं है अभी तक, उनका भी बाद में खोलेंगे, पता नहीं कब खुलेगा। सारी नहीं हो रही, कहते तैयार होंगे तब वीडियो बनाइयो। और हाँ यार, इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड एंड ढूंढ रहे हो कि बेस्ट कॉलेज आपको कैसे मिले और स्कॉलरशिप कैसे मिले और सब कुछ, वीज़ा प्रोसेस सब कुछ कैसे हो सीमलेसली विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, और अच्छा काउंसलर ढूंढे, उसके लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो फिल आउट कर सकते हो, काउंसलर आपको रीच आउट कर लेंगे और हेल्प कर देंगे सब चीज़ में, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप भी दिलवा देंगे। ये देखो ये टी शर्ट लाया हूँ, बस कोई एक्सप्रेशन नहीं देने, कुछ नहीं, ऐसे ही देख लो बस, गई वीडियो बस, चलो टाटा बाय बाय, यही एक्सप्रेशन देख, क्या मैं ही लाया हूँ, मैं क्या देखूँ? तो फिर किस क्या दिखाना, किसका फोटो? शक्ल खुद की छुपा ली पूरी। ये कलम नैनीताल जा रहा है, उसका खिंडा हुआ है सामान सारा, वरना मम्मी बड़ा समेट के रखती है रूम। ले <ओ। laughs> आपको सम्मानित करा जाता है, पूजा करने जा रही थी। ये परी और आपकी सेम हुडी। अच्छा जी, थैंक यू। ये अभी निकाल रहे हैं नैनीताल की पैकिंग, हाँ खुद तो ले नहीं रहे थे इतने दिन से।
हमारे पास बताओ लेने की टाइम नहीं है। बताओ इतने बिजी लोग हैं। शर्ट एक और टी शर्ट क्यों देंगे, क्या होता है पहन के तो बताओ। एक बार भी नहीं बोला ये आपके लिए बुक। ये कहाँ से लिया है? ये चॉकलेट, ये अशर के लिए। उसकी है चीकलू की बिल्ली की है। ये दोनों बिल्ली की है। ये उसको देख, उसको ले वीडियो में। ये आ गया मेरा क्या है? ये भी चीकलू की है। ये अशर की है। मेरा क्या है? हाँ शांति शांति ही। भोग लग गया, इसने खा लिया। एक और दूसरी चॉकलेट थी। येरी 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 मिल गई। ये ग्रीन टी है। पापा ये तो ले लो गिफ्ट आपका। क्या गिफ्ट? मेरा गिफ्ट? अच्छा थैंक यू। ये गिफ्ट देते हैं राजा। अच्छा आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा थैंक यू। पहन के तो दिखाओ। दिखाओ। हाँ। गाइस यही थी वीडियो। अब मैं अपनी वीडियो डालूंगा। लैपटॉप में कलम जा रहे हैं घूमने नैनीताल। उसकी वीडियो भी हो सकता है आगे आए अगर मैं बनाऊंगा तो, वरना एंजॉय करा। फुल तो नहीं बनाऊंगा। वैसे आप लोग इतनी देखते हैं इंडिया की वीडियो, आपने सब देखा हुआ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।